देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजनौर में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर लगाया छेड़छाड़ और जबरन उठाकर ले जाने का गंभीर आरोप। मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में लगी अचानक आग से मची अफरा तफरी, ग्रामीणों की मदद से बुझाई गई आग। मथुरा में भप्पू वाली बगीची के मंदिर में हुई एक साधु की निर्मम तरीके से हत्या, शरीर को बुरी तरह से गोदा गया। मथुरा में लगातार देखने को मिल रहा दारूबाजों का आतंक, दिन दहाड़े दारूबाजों ने राहगीरों से की मारपीट। किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मुख्य सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल पहुंचे सीतापुर। बिजनौर में एक व्यक्ति ने पड़ोस में ही रहने वाले दो युवकों पर छेड़छाड़ और उठाकर ले जाने का आरोप लगाया। महिला की माने तो महिला किसी काम से जा रही थी और अचानक पड़ोस के ही रहने वाले दो युवकों ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। बिजनौर के रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानी कोटा की रहने वाली एक महिला ने पड़ोस में ही रहने वाले दो युवकों पर छेड़छाड़ व उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। महिला की माने तो महिला किसी काम से जा रही थी कि अचानक पड़ोस के रहने वाले दो युवकों ने महिला को पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिसे देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए और महिला को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वहीं जब महिला ने आरोपी युवकों के खिलाफ जब थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने दोनों युवकों को बुलाकर बैठा लिया। वहीं महिला ने पुलिस पर भी दोनों आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप भी लगाया है और पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर इस मामले की शिकायत करते हुए इंसाफ की गुहार भी लगाई है। आज आप एसपी साहब के यहाँ पर किस मामले को लेकर आई? इस मामले में लेकर आई हूँ मैं, लड़कों ने, गांव वालों ने छेड़खानी करी है मेरे साथ। सोनू ने और उसके जीजा ने, अफजलपुर के उसका जीजा है, उसने बदतमीजी करी है। मैं थाने गई थी, थाने में भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, उन लोगों को छोड़ भी दिया पकड़ के। मैं घर पर आ गई थी, पुलिस वाले कह रहे थे ना फैसला कर लो, मैं घर आ गई, उन्होंने भी छोड़ दिया, पैसे ले दे को। और मैं यहाँ एफ सी साहब के पास आई थी तो यहाँ भी दरोगा जी आ गए। अब क्या चाहती हो आप? बस मैं इंसाफ ही चाहती हूँ। मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र में लगी आग से गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। गाँव वालों ने आग की सूचना थाना बेवर को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू। मैनपुरी के नगर बेवर थाना क्षेत्र में लगी अचानक आग से गांव में अफरा तफरी। गाँव वालों ने आग की सूचना थाना बेवर पर दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी पहुप सिंह जी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी भी काफी मेहनत करते दिखाई दिए। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तीव्र थी कि उसकी लपटें उठने से आसपास खड़े पेड़ की डालियों को भी जला दिया। झोपड़ी के अंदर सो रहे ब्रिज किशोर व पत्नी काजल और उनके दो बच्चे भी आग की लपटों की चपेट में आने से झुलस गए। झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। झोपड़ी में रखा एक फ्रिज, दो सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, 3 क्विंटल गेहूं, 3 बोरे आलू, 2 गद्दे, 1 पंखा, 1 अलमारी, 1 कूलर, 1 बेड, 2 रजाई व 10,000 रुपए की नकदी भी जलकर राख हो गई। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। उसके ऊपर जो भी क्षति थी वह भी छीन ली गई। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिलाई के। यहाँ क्या मामला हो गया था? यहाँ अचानक आग लग गई थी, हम लोग सो रहे थे जी, और बच्चे वगैरह सब लोग, उसमें सामान वगैरह था वो भी जल गया जी। बेड पड़ा हुआ था, अलमारी थी, बक्सा था, और कपड़े लेते थे, गेहूं वगैरह था, आलू थे, मतलब सारी गृहस्थी थी। अलग आग कैसे लग गई? आग कैसे लगी? आग अचानक लग गई, हम लोग सो रहे थे, जान नहीं। कितने बजे टाइम? रात को 10 बजे के टाइम पे करीब। 10 बजे टाइम जी। फिर कैसे बची आग? फिर सभी लोग जैसे ही हमने जानी वैसे ही हम बाहर निकले तो हम लोग भी थोड़े हल्के से झुलस गए, कपड़े जल गए थे। बच्चे को भी निकाला और वाइफ को भी निकाला बाहर, उसके बाद कोराम किया तो गाँव। अच्छा, इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मथुरा की कोसी कला में भब्बू वाली बगीची के मंदिर में एक साधु की निर्मम तरीके से हत्या किए जाने की खबर से सनसनी फैल गई। शरीर को जिस तरह से गोदा गया उससे ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने बेरहमी के साथ इस घटना को अंजाम दिया।
आज सुबह कोसी कला में भब्बू वाली बगीची के मंदिर में एक साधु की निर्मम तरीके से हत्या किए जाने की खबर से सनसनी फैल गई। शरीर को जिस जगह से गोदा गया है उससे प्रतीत हो रहा है कि बदमाशों ने बेरहमी के साथ उसको मारा है। मौके पर सीओ काली रमन और प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार समेत भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया है। हत्या के कारणों की जांच में पुलिस लग गई है। जानकारी के अनुसार बलदेवगंज क्षेत्र के गोपाल नगर रेलवे लाइन के निकट भब्बू वाली बगीची है। बगीची में मंदिर है। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए कमलदास उर्फ बब्बू नाम का साधु रहता था। शनिवार की सुबह इस बगीची में प्रतिदिन की तरह आए लोगों को साधु कमलदास दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों ने कमरे की ओर गए, हालत देखकर उनकी चीख निकल आई। यह खबर जंगल में आग की तरीके से फैल गई। बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार फोर्स के साथ पहुंच गए। सीओ काली रमन भी आ गए। पुलिस ने कमरे में अंदर देखा तो साधु मृत अवस्था में पड़े थे। शरीर के कटे अंगों से यह प्रतीत हो रहा था कि बदमाशों ने तेज धारदार हथियारों से उन पर प्रहार किया है। कमरे में खून ही खून पड़ा था। मौके वारदात को देखकर ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की है। यहाँ सुबह हम आए तो हमने देखा यहाँ बंद पड़ा था। बाबा जी सुबह 4 बजे जग जाते हैं, तो देखा था 6 बजे तक भी वो बाबा जगे नहीं। तो जब सब ने यहाँ देखा तो किवाड़ खोल के देखा तो वो अपनी जगह पे मरे हुए पाए थे। तो हमने तुरंत पुलिस को फोन किया है, पुलिस आई है, अब कार्रवाई जो हो रही है वो देखी जाएगी। ये घटना रात की है, लेकिन हमको तो सुबह 6 बजे 6:15 करीब मालूम पड़ी। कौन सी बगीची है ये? बप्पू वाली बगीची है। बप्पू नाम था, कमलदास उर्फ बप्पू। ये इनका मनेसर में भी आश्रम है इनका, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया बाबा थे। कोई परेशानी नहीं थी, किसी से कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई। वो सुबह ही डेथ पाई है उनकी, रात को ही उनको। पुलिस को मौके से एक चाकू भी बरामद होने की जानकारी मिली है। हत्या के पीछे क्या कारण रहे इसकी जांच के लिए पुलिस जुट गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर तथ्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि साधु कमलदास कई सालों से इस बगीची पर रह रहा था। मौके पर कोसी कला के अलावा शेरगढ़ और छाता पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस ने साधु कमलदास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लोगों की सुरक्षा को लेकर कितने ही वादे क्यों न कर ले, लेकिन महिलाओं और पुरुषों पर इस समय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। मथुरा में दारूबाजों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े राहगीरों से मारपीट की घटना को कुछ दारूबाजों ने अंजाम दिया। सरकार भले ही चाहे लोगों की सुरक्षा को लेकर कितने ही वादे क्यों ना कर ले, लेकिन महिलाओं और पुरुषों पर इस समय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की सुबह गांव सहजादपुर से कुछ लोग रहेड़ा गांव के लिए गमी में बैठने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी छाता पहुंची और उन्होंने गाड़ी को कुछ देर के लिए NH2 हाईवे पर बने बॉबी ढाबे पर रोक लिया। वहां पर कुछ लोग पहले से ही दारू पी रहे थे। दारू पीने वालों को गाड़ी का रोकना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने गाड़ी वाले से कहा कि यहां से वह फौरन चले जाएं। उन्होंने कहा हमारी एक सवारी आ रही है, हम अभी जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद होटल पर मौजूद दारूबाजों ने उन्हें गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया। गाली सुनते ही दोनों तरफ से नरमी के साथ गर्मा गर्मी भी शुरू हो गई। उसके बाद लाठी डंडे भी चल गए, जिसमें गाड़ी में कुछ महिलाओं को चोटें भी आ गईं। उसके बाद होटल के अंदर तोड़फोड़ भी हो गई। जब मामला और बिगड़ता दिखा तो उन्होंने डायल 100 पर सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर मौजूद दौलतराम ने बताया कि हम रेड़ा गांव के लिए एक गमी में जा रहे थे। हमारे साथ 10-20 महिलाएं भी थीं और हम 5-6 आदमी थे। हमने अपनी गाड़ी को बाबी होटल पर रोक लिया कि हमारी एक दो सवारी आ रही हैं, उनको भी साथ लेकर जाएंगे। वह महिलाओं को उसी छाता से आ रही थी। उसके बाद होटल वाले आए और उनसे पूछने लगे कि क्या परेशानी है। गाड़ी वालों ने जवाब दिया कि कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी वालों ने बताया कि हम उनका साला एक फाइनेंसर है, जो वह गाड़ी की फाइनेंस की बात कर रहा है। उसके बाद होटल वालों को रुकना रास नहीं आया और गाड़ी के ड्राइवर को गलेवान पकड़कर जमीन पर खींच लिया और उसके ऊपर लाठी डंडे और सरिया से वार कर दिया। गाड़ी ठारी गाड़ी ठारी वो गाड़ी ने मतलब ये ड्राइवर ने ये को बैयर वानी बोलवे गई यहां से काबू छई चा पड़ी बुलावे गई कोई कह रही होटल वाली गाड़ी आता यहां का ठारी कर रहा की वानी भैया आ रही है वाली एक बैयर वानी अब हाल हम ले जा रहे वो कचू ना गोवा गाड़ी देने लगे कि भैया गाड़ी गाड़ी दे रहा हूँ उनका गाड़ी यहाँ को दे रहे थे रे होटल पे वन कहीं जड़ को पकड़ के नहीं है वहाँ दे रो और दे रो जो उतरे वहाँ दे और दे और दे और ले वो लड़ाई शुरू। अच्छा गलती किसकी रही? होटल वाले की। होटल वाले की थी। जी हम वहाँ एक वहाँ के गमी में जा रहे थे
मैं गाड़ी खड़ी करी, एक मर जनानी मेरे साथ आ रही है जा रहे हैं। और वो जो आके जो कह रहे के मतलब यहाँ से गाड़ी हटाओ। कौन लोग कह रहे थे? वो कह रहे होटल वाले। तुमने गाड़ी वहाँ होटल के आगे खड़ी कर ली थी? हाँ। अच्छा, फिर वो जो कह रहे कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, हम जो कह रहे एक मई औरत आ रही है। तो उन्हें इतने में मारपीट शुरू कर दी। अच्छा भैया, मारपीट भैया, उनको गाड़ी खींच लिये, गाड़ी में तो ड्राइवर खींच लियो, मारो हम बचा रहे, उनने बचा रहे पर हमें देंगे। किन लोगों ने मारा है? कहरार के बताए लग रही है होटल। हमें तो भैया जाने ना, कौन है कौन ना। तो ये बता, तुम होटल पे क्या कर रहे थे? हम जा रहे, हमने करके तुम्हारा ड्राइवर और एक मानसून निकल के जा रहे, बताए फिर चाबी चलाइए से डॉक्टर को खींच लिया हमारे ड्राइवर को मारो। ड्राइवर होटल वालों से क्या जानकारी थी? कुछ जानकारी ना रही, जानते लाला को सारे से बात कर रहा हूँ, हम ना जानते भैया। क्या नाम है आपका? फुरकान। कहाँ के रहने वाले? अच्छा बताइए, चोटें आपको आई है, क्या मामला है? ये मामला ये जी, जो हमारे जो फाइनेंसर है जो वहाँ पे हम खड़े थे, तो हमें उनसे बातचीत करने लगे अपने पेपरों के बारे में। तो वो आके बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनकी? जी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने बता रहे हैं। कौन बोलने लगे? वहाँ होटल वाले थे। अच्छा, प्रताप सिंह और हरदेव सिंह। तो उन्होंने फिर भाई वो चले गए, फिर बाद में आए बोले क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम आपसे बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आके उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, यही कारण हुआ है हमारे साथ। तो क्यों उन्होंने मारपीट की, ऐसी क्या वजह रही? क्या पता जी, कोई बताया नहीं। वो पीने वाले थे, हाँ जी दारू पी रखी थी उनने, उन्होंने दारू पीकर ये पूरा हमारे साथ में करा। अच्छा, कितने लोगों के चोट है? लोगों के तकरीबन हमारे 10-12 लोग हैं। वो लोग कितने थे मारने वाले? मारने वाले दो और 4-5 अनेक थे जी, और दो तो खास है ही थे वहाँ पे जो डंडा वंडा थे उनके पास में, जिसकी वजह से उसके सिर में काफी गंभीर चोटें आई। उसी दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मुख्य सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल सीतापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गल्ला मंडी में धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मुख्य सचिव का कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल आज सीतापुर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने गल्ला मंडी धान क्रय विक्रयों का केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को कई तरह की सौगातें भी दी, साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 550 मंडियों का एक नए प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया है, जिससे अब किसानों को ऑनलाइन फीडिंग भी होगी, जिससे किसानों की फसलों की क्वालिटी चेकिंग के साथ साथ अब किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिल सकेगा। करने जिससे किसानों को उनके उत्पाद का अधिक उचित मूल्य मिल सके, माने प्रधानमंत्री जी ने ई नैम व्यवस्था स्टार्ट की थी। प्रथम चरण में पूरे देश के 585 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया, जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म में फीडिंग की व्यवस्था हो, क्वालिटी की चेकिंग एसिंग की व्यवस्था हो, जिससे उसको उचित मूल्य मिल पाए। सेकेंड चरण में 415 बाजार और ऐड किए जाएंगे अगले 2 साल के चरण के अंतर्गत। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने इसके लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ अच्छी की हैं। 100 मार्केट 585 में उत्तर प्रदेश में इसके अंदर दिए गए हैं। इसके लिए APMC एक्ट में जो परिवर्तन किए जाने थे, उसका अवश्य परिवर्तन किए गए हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि अब जो व्यापार हो रहा है ENAM के अंतर्गत, मंडी के अंतर्गत, इसको पूरे प्रदेश के अंदर ले जाना लिक्विड लाइसेंस के माध्यम से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने की संभावना के बारे में बात करने का समझने की बात। अभी 415 बाजारों को और जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे देश के किसानों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज़, जो सच वही खबर।